भारतीय जनता पार्टी की चर्चित विधायक भागीरथी देवी के पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देने की चर्चा के बाद से कई सवाल खड़े होने लगे थे। बघाज देश से आने वाली भागीरथी देवी ने पार्टी के नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि दलित होने के कारण उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। वहीं इस्तीफे की चर्चा के बीच संजय जायसवाल सामने आया और संजय जायसवाल ने ये साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा असंतोष था, जो भी बातें थी उसको सुलझा लिया गया है, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी उनको जिले में नाराजगी थी, वो जिले में है भी नहीं, वो प्रदेश की नेता है, इसलिए जिला में उनकी नाराजगी होगी, वो हम लोगों ने बात भी कर लिया। उनका आरोप है कि दलित होने के कारण उनका अपमान किया जा रहा है। सब उन्होंने मेरे से बात की है और बगहा जिला में उनको कुछ असंतोष था, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, बहुत ही छोटी बात है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। उनका कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी नाराजगी थी उस पर चर्चा हो गई है, उस पर बात हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि भागीरथी देवी की नाराजगी प्रदेश नेतृत्व से भी सामने आई है। संजय जायसवाल के बारे में भागीरथी देवी ने कहा था कि उन्हें सारी बातों की जानकारी है, इसके बावजूद वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, दलित समझकर मुझे परेशान किया जा रहा है। बगहा जिला संगठन में दूसरे दल को मदद पहुंचाने वाले नेताओं की पूछ हो रही है। बगहा जिला जब से बना है तब से उनके साथ ही उपेक्षा जारी है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।